मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए बेटा, हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स इफेक्ट। तो देखिए, आज हमारा नया टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज पैरेलल। बेटा तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि रेजिस्टेंस इन सीरीज, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज। यहां पर रेजिस्टेंस इन सीरीज का मतलब क्या है कि जो आपके रेजिस्टर्स होते हैं वो एंड टू एंड कनेक्ट होते हैं। किससे? सेल से। और आपको पता है कि आपका जो ये सेल है, इसका एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। क्लियर? जो सेल है वो क्या क्रिएट करता है बेटा? सेल क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस। सेल क्या क्रिएट करता है? पोटेंशियल डिफरेंस। और करंट को फ्लो होने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर बेटा? तो यहां से करंट फ्लो करता है, यहां से क्या फ्लो करता है? करंट, दैट इज आई। और ये क्या है आपका? एक रेजिस्टेंस R1, दूसरा रेजिस्टेंस R2। क्लियर बेटा? अब इसके बारे में आगे बात करते हैं कि यहां पर आप देखिए, ये आपका सेल, ये देखिए सेल से करंट निकला बेटा आई। आपने नोटिस किया कि ये रेजिस्टेंस है R1 और ये रेजिस्टेंस है R2। करंट निकला, करंट यहां पर भी आई है, यहां पर भी आई है, यहां पर भी आई है। मींस पूरे सिस्टम के अंदर जो करंट है वो सेम है, पर डिफरेंट क्या है? आपका रेजिस्टेंस डिफरेंट है, यहां पर ये वाला रेजिस्टेंस डिफरेंट है। तो देखिए, जो ये पोटेंशियल है आपकी, ये जो पोटेंशियल है, ये इन दोनों केस के लिए क्या होगी? अलग होगी। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस है R1 के लिए, वो क्या होगा बेटा? यहां पर क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बेटा? कि आपका पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, क्यों? वो डिफरेंट है R1 के लिए और R2 के लिए भी अलग है, और करंट यहां पर सेम है। क्लियर? तो देखिए, यहां पर R1 के लिए पोटेंशियल क्या होगा? V1 इज इक्वल टू IR1, क्योंकि I आपका क्या है? सेम। क्लियर? उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस 2 के लिए क्या होगा? दैट इज IR2। ये बात आपको समझ में आई है? बट जो आपका सेल है वो वर्क करता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के ऊपर। तो देखिए, यहां पर एक बात लिखते हैं, हम नोट करके लिख लीजिए, सेल वर्क्स ऑन equivalent resistance okay बेटा। तो equivalent resistance देखिए कि क्या है, सेल क्या कहता है कि इनसे उन्हें कोई मतलब नहीं है, कि वो equivalent resistance को मानता है। तो हमने क्या मान लिया? ये जो है आपका सेल है, ये क्या है आपका? रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। यहां से देखिए कि क्या है पोटेंशियल डिफरेंस आपका, ये करंट फ्लो हो रहा है, यहां से फ्लो हो रहा है, यहां से फ्लो हो रहा है, ये से, ये से। तो यहां पर आप पोटेंशियल बताइए क्या होगा? ऐसे RE, ये होगा बेटा। बट आपका सेल क्या करता है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के ऊपर बात करते हैं। तो टोटल आप ये बताइए, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको आप कैसे लिख सकते हैं? V1 प्लस V2 लिख सकते हैं।
और इनकी वैल्यूज आपके पास है कि जो आपका टोटल वोल्टेज है ये इक्विवेलेंट का, तो देखिए आप ये लिख सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है आपके पास, जो इक्विवेलेंट वोल्टेज है आपके पास उसकी वैल्यू है आई आर ई। वी वन की वैल्यू है आपके पास आई आर वन और वी टू की वैल्यू है आपके पास आई आर टू। इज इट क्लियर बेटा? तो आप देखिए यहां से आप किसको कॉमन ले लें, आई, क्योंकि आई दोनों में कॉमन है, यहां पर आपने आई को कॉमन लिया तो आपके पास ये स्टेटमेंट आ जाती है। तो आई को आई से काट दिया आपने, आपके पास एक रिजल्ट आ जाता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। तो ये क्या है आपका प्रूव हो गया कि अगर आपके रेजिस्टेंस सीरीज में आते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे, आर वन प्लस आर टू, और भी ज्यादा रेजिस्टेंस आ जाए तो उन सबको आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। अब हम बात करते हैं कि पैरेलल केस में कैसे होता है। तो देखिए इन केस ऑफ पैरेलल, पैरेलल के केस में क्या होगा बेटा, आप डायग्राम बनाते हैं, ये क्या आपके पास सेल, सेल क्या क्रिएट करती है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल करंट को फ्लो होने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये क्या आपका करंट फ्लो हो रहा है बेटा, करंट। तो आप यहां पर देखिए तो क्या है, ये आपका रेजिस्टेंस आर वन, ये रेजिस्टेंस आर टू। यहां पर आपने नोटिस किया जो ये आपका करंट है वो क्या हो गया बेटा, चेंज हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। रेजिस्टेंस R1 के लिए करंट होगा आपका I1 और रेजिस्टेंस R2 के लिए आपका करंट होगा I2। क्लियर बेटा? यहां से I1 फ्लो हुआ, यहां से I2, रिजल्ट में क्या निकलेगा आपका, I करंट को आपका सेल के अंदर चला जाएगा। क्लियर बेटा? तो यहां पर सीरीज के केस में आपने देखा कि करंट आपका सेम रहता है, बट पैरेलल के केस में करंट आपका डिफरेंट हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बट सीरीज के केस में आपका वोल्टेज डिफरेंट होता है, बट यहां पर आपका वोल्टेज क्या रहेगा, सेम। तो देखिए हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, वहां पर क्या था बेटा आपका वोल्टेज डिफरेंट था तो आपने वोल्टेज निकाली, यहां पर आपका क्या डिफरेंट है, यहां पर आपका करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो आप देखिए हमें पता है कि V is equal to IR होता है according to Ohm's law, तो यहां पर आपका करंट वैरी कर रहा है बेटा, तो उस चीज को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो रेजिस्टेंस R1 के लिए करंट क्या होगा, तो I1 V R1। इज इट क्लियर? इक्वेशन आपकी आ गई वन। I2 के लिए क्या होगा बेटा, V by R2, असल में आ गए बेटा। तो ये और सेल आपका, हमने बात लिखवाई थी आपको कि सेल वर्क्स ऑन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इस केस में तो आप देखिए जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा तो यहां पर टोटल करंट क्या आएगा, टोटल करंट आएगा क्या I1 प्लस I2। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे हम कैसे, तो यहां पर I की वैल्यू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के केस में कैसे आ जाएगी कि V by R E। देर बेटा I1 की वैल्यू आपको पता है कि V by R1 प्लस I2 की वैल्यू क्या है, V by R2। और क्लियर बेटा? यहां पर आप क्या कॉमन ले लेंगे, यहां पर आप V कॉमन ले लेंगे तो 1 by R E, 1 by R1 plus 1 by R2। क्लियर बेटा? V से V कैंसिल,
तो यहां पर आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, आर वन बाय आर टू। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो ये केस है आपका पैरेलल का, जब आप रेजिस्टेंस को पैरेलली कंबाइन करते हैं तो किस तरीके से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला जाता है, जब आप सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किस तरीके से निकाला जाता है, बात समझ में आई बेटा। तो आपको क्या चीज नोट करनी है कि सीरीज के केस में, देखिए एक बार नोट कर लेते हैं, ये देखिए बेटा, ये है सीरीज का डायग्राम और यहां पर हम बनाते हैं पैरेलल रेजिस्टेंस का डायग्राम। आपने ऐसे डायग्राम बनाया था, आर वन आर टू इज पोटेंशियल डिफरेंस, ये आई आई, यहां पर आप बनाइए पोटेंशियल डिफरेंस, करंट करंट यहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये है आर वन, ये है आर टू, यहां पर वापिस सेम आ गया। क्लियर बेटा, तो आपने यहां क्या नोटिस किया, सीरीज के केस में आप देखिए आपका करंट क्या है, करंट विल बी सेम, सीरीज के केस में क्या रहेगा, करंट विल बी सेम, इधर क्या रहेगा, करंट विल बी डिफरेंट, करंट क्या रहेगा आपका डिफरेंट रहेगा, और यहां पर आप देखिए पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिफरेंट, यहां पर क्या है आपका पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिफरेंट, क्यों, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड। इज इट क्लियर बेटा, यहां पर देखिए करंट विल बी डिफरेंट बट पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, पोटेंशियल डिफरेंस क्या बेटा यहां पर सेम, करंट विल बी डिफरेंट, तो हम यहां एक बात और लिख सकते हैं करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, असल में आए बेटा। तो ये पॉइंट आपको याद रखने बेटा, नोट में डाल के रख लेना कि ये पॉइंट आपके सीरीज के केस में है, ये पॉइंट आपके पैरेलल के केस में है। तो ये आपका टॉपिक था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि जो सीरीज और पैरेलल है इनकी डेरिवेशन एग्जाम में कई बार आ जाती है, तो आपको अच्छे से इसको करना है। ओके बेटा, थैंक यू।